हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स। आज इस सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। हालांकि मैंने आपको अपने पिछले लेसन में बताया था टेक्स्ट टूल को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, बट आज उसमें कैसे हम इफेक्ट यूज़ करेंगे हम वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लीजिए। ओके, अब आप यहाँ पे जो चाहे वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया है डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स। इसे सेंटराइज करने के लिए आप पी प्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए, शिफ्ट F3 एंड देन अपर केस। अब आप इसका साइज छोटा कर लीजिए। यहाँ पे हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑर्डर है, जिससे आप टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर ले रहे हैं। इसे बड़ा करने के लिए आप इसके साइड नोट पे पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं। हमने इसका कलर चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, अब हम इस पे यूज करेंगे ड्रॉप शैडो। हाउ टू यूज ड्रॉप शैडो, अब इस टेक्स्ट पे हम किस तरह से शैडो यूज कर सकते हैं वो चीज देखेंगे। हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ड्रॉप शैडो टूल। इसके साइड नोट पे आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप शैडो, आप इसे इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में आप पर्सपेक्टिव, टॉप टू लेफ्ट, बॉटम राइट, लेफ्ट राइट, आप जो चाहे वो ऑप्शन ले सकते हैं। सपोज मैं इसे ले रहा हूँ, पर्सपेक्टिव टॉप लेफ्ट। आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि इसके साइड में शैडो क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसे डार्क करना है अब आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। शैडो का कलर आप यहाँ पे जो चाहे वो दे सकते हैं। अगर इसका आपको शैडो हटाना है तो आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक किए एंड देन यहाँ पे आपका क्लियर ड्रॉप शैडो, ये आपको पूरी तरह से हट गया। अब आप इस पे चाहे तो और भी कई सारे शैडो यूज कर सकते हैं। आपको शैडो डार्क करने के लिए आप देख सकते हैं इसके टेक्स्ट के चारों ओर शैडो क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाहे तो इस टेक्स्ट का आउटलाइन भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसका आउटलाइन दे रहा हूँ व्हाइट। अब आपको इसका आउटलाइन अगर ब्रॉड करना है, आउटलाइन ऑप्शन वन, बिहाइंड फिल स्केल विथ ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन क्लिक होना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से स्मूथ हो जाए और एक एंड में कॉर्नर ना बन के शेप ले ले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखा हमने एक ड्रॉप शैडो किस तरह से हम टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं। इसमें इस टेक्स्ट पे कुछ और इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।